हाफिज तलबा, हम जमात हत्तुम के जुग्राफिया के सबक नंबर 3 मद्दोजर में उसके वकू होने के असबाब के मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। सबक के पिछले हिस्से में हम जान चुके हैं कि ज़मीन की शक्ली कुव्वत की तरह चांद और सूरज में भी शक्ली कुव्वत पाई जाती है। हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से ज़मीन में मरकज गुरेज कुव्वत पैदा होती है। इन कुव्वतों की वजह से मद्दोजर कैसे वाक़ होते हैं, आइए इसे समझते हैं। वीडियो में हम ज़मीन को शुमाली कुतुब की तरफ से देख रहे हैं। इसमें हमें ज़मीन महवरी गर्दिश करते दिखाई दे रही है। महवरी गर्दिश की वजह से मरकज गुरेज कुव्वत पैदा होती है, जिसकी वजह से समंदर का पानी बाहर की तरफ फैलने लगता है, लेकिन ये पूरी तरह खला में नहीं जाता। इसकी वजह है ज़मीन की शक्ली कुव्वत। शक्ल में लाल निशान मरकज गुरेज कुव्वत को जाहिर कर रहे हैं और काले रंग के निशानात शक्ली कुव्वत को जाहिर कर रहे हैं। मरकज गुरेज कुव्वत की वजह से समंदर का पानी फैलता तो है, पर ज़मीन की शक्ली कुव्वत की वजह से ज़मीन पर कायम रहता है। लेकिन समंदर का पानी वीडियो में बताए गए तरीके से नहीं फैलता। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से समंदर का पानी फैलता है, यानी मरकज गुरेज कुव्वत की वजह से। हम जानते हैं ज़मीन का सबसे करीब तरीन सियारा चाँद है और चाँद में भी शक्ली कुव्वत पाई जाती है। चाँद और ज़मीन एक दूसरे को कशिश करते हैं, लेकिन समंदर माय हालत में होने की वजह से समंदर के पानी पर इन कुव्वतों का असर दिखाई देता है। अब जाहिर सी बात है कि चाँद की तरफ ज़मीन का जो हिस्सा होगा उसे चाँद ज़्यादा कशिश करेगा। इस तरह चाँद की शक्ली कुव्वत की वजह से ज़मीन के इस तरफ के पानी की सतह बढ़ती है। इस तरफ पानी की सतह बढ़ी तो इसे हम कहेंगे मद। अब किसी तरफ का पानी बढ़ेगा तो किसी न किसी तरफ का पानी घटेगा ही, यानी पानी की सतह कम होगी। जब इस तरफ पानी बढ़ा तो इन दोनों तरफ का पानी कम हुआ, मतलब यहाँ और यहाँ ज़मीन पर समंदर की सतह कम हुई, इसे कहेंगे जज़र। हम जानते हैं कि जिस चीज़ की कमियत ज़्यादा होती है कशिश शक्ल ज़्यादा होती है। चाँद की कमियत ज़्यादा है, इसलिए शक्ली कुव्वत इस तरफ ज़्यादा असर करेगी। इसीलिए हमें इस तरफ मद वकू पज़ीर होते हुए दिखाई देगा। अब चाँद के मुखालिफ सिमत की ज़मीन के हिस्से को देखते हैं। यहाँ शक्ली कुव्वत का असर कम होगा क्योंकि चाँद दाएं तरफ है और ज़मीन की शक्ली कुव्वत का असर चाँद की तरफ भी तकसीम हो गया है, इसलिए यहाँ शक्ली कुव्वत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी। यहाँ मरकज गुरेज कुव्वत का असर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से समंदर की सतह बढ़ेंगी, मतलब यहाँ भी मद वाक़े होगा। ज़मीन के जिस मकाम पर मद या जज़र आते हैं उसके ठीक मुखालिफ मकाम पर भी उसी वक्त मद या जज़र वकू पज़ीर होते हैं। इस तरह एक ही वक्त में दो मद और दो जज़र वकू पज़ीर होते हैं। अज़ीज़ तलबा, अब हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस तरफ चाँद और ज़मीन की शक्ली कुव्वत की वजह से मद बनते हैं, इसके मुखालिफ यहाँ शक्ली कुव्वत का असर कम होता है और मरकज गुरेज कुव्वत का असर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ भी मद बनते हैं। इन दोनों तरफ पानी की सतह बढ़ती है तो इन दोनों तरफ कम हो जाती है, इसलिए यहाँ जज़र बनते हैं। जिस वक्त सिफर दर्जे तुलुल बलद पर मद आता है उसी वक्त उसके मुखालिफ सिमत में वाक़े 180 दर्जे तुलुल बलद पर भी मद आता है, लेकिन जज़र
इन तुलुल बलत से जाविया कायमा बनाने वाले तुलुल बलत पर आते हैं। अगर मद 0 दर्जे और 180 दर्जे तुलुल बलत पर आते हैं तो जजन 90 दर्जे और 270 दर्जे तुलुल बलत पर वाके होंगे। अगले हिस्से में हम मद्दो जजर की किस्मों को समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।